एक नाराज शायर। नाराज इसलिए क्योंकि आसपास अगर कुछ गलत होता देखते हैं तो अपने रास्ते पर नहीं निकल जाते ये सोच कर कि अरे कोई बात नहीं मैं क्यों फंसूं। नाराज इसीलिए क्योंकि वो एक सच्चे हिंदुस्तानी शायर की तरह आंखों में आंखें डालकर बताते हैं गलत कीजिए। आज मेरा ख्याल है कि आज ही सदी हो गई मुझे शायरी पढ़ते पढ़ते। पहली मरतबा कुछ होमवर्क किया था, आएगी आवाज, जब मैं बोलूंगा तब आवाज आएगी। मैं ये कह रहा था कि आज मैंने 50 बरस के कैरियर में पहली मरतबा घर पे अपने होटल के कमरे में बैठकर होमवर्क किया था कि बहुत ही महज़ब शरीफ और नेक पढ़े लिखे सच्चे शुरफाए दहली सामने होंगे तो अब मुझे ये पढ़ना चाहिए। लेकिन जो हालात मैंने देखे तो मैंने कागज़ जेब में रख लिया, अब वही सुनाऊंगा जो सुनाया जा रहा है। श्वेता ने सर्दी के मौसम से बात शुरू की थी आज के मुशायरे। ऐसी सर्दी है, ऐसी सर्दी है कि सूरज भी दुहाई मांगे, ऐसी सर्दी है कि सूरज भी दुहाई मांगे, जो हो परदेश में वो किससे रजाई मांगे। ऐसी सर्दी है कि सूरज भी दुहाई मांगे, जो परदेश में वो किससे रजाई मांगे। अब दिल्ली की तरह शेर सुन के बताइएगा, वो किससे रजाई मांगे, अपने हाकिम की फकीरी पे तरस आता है। वो किससे रजाई मांगे, अपने हाकिम की फकीरी पे तरस आता है, जो गरीबों से पसीने की कमाई मांगे। अपने हाकिम की फकीरी पे तरस आता है। मैं खुद ही जवाब देता हूं कि सफर में आखिरी पत्थर के बाद आएगा, सफर में आखिरी पत्थर के बाद आएगा, मजा तो यार दिसंबर के बाद आया। मजा तो यार दिसंबर के बाद आएगा। मेरा जमीर, मैं किसी भी लफ्ज के माने नहीं बताऊंगा, पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, मैं आपको मशहूर और मैं तालियां बजाने के लिए भी नहीं कहूंगा, आप लोग कोई ताली बजाने वाले थोड़ी हैं साहब। मैं कह रहा हूं कि मेरा जमीर, मेरा एतबार बोलता है, मेरा जमीर मेरा एतबार बोलता है, मेरी जुबान से परवरदिगार बोलता है। मेरा जमीर मेरा एतबार बोलता है, मेरी जुबान से परवरदिगार बोलता है। साहब कुछ और काम तो जैसे उसे आता ही नहीं, मगर वो झूठ बहुत शानदार बोलता है। सुने के बचा के रखी थी कुछ रोशनी जमाने से। जो मैंने लिखे थे ना शेर जो जेब में रख लिए, उसके दो चार शेर अगर मैं सुनाऊंगा तो आपके साथ बेईमानी होगी, इसलिए जरा इंसाफ आप कर दीजिएगा, तालियां मत बजाइएगा और सीटी भी मत बजाइएगा। बचा के रखी थी कुछ रोशनी जमाने से, हवा चराग उड़ा ले गई सराहने से। बचा के रखी थी कुछ रोशनी जमाने से, हवा
पराग उड़ा ले गई, सराहने से बहकते रहने की आदत है मेरे कदमों को। शराब खाने से निकलूं के चाय खाने से है, बहकते रहने की आदत है मेरे कदमों, बहकते रहने की आदत है मेरे कदमों को। शराब खाने से निकलूं के चाय खाने से, साहब ये जिंदगी सवाल। देखिए सर, मेरे हाथ में भी घड़ी है और ये सामने भी घड़ी दिख रही है। हाथ की घड़ी से मैं काम नहीं करूंगा, वो सामने जो दिख रही है उससे करूंगा। ईमानदार और शरीफ नेक आदमी हूं, इसलिए ये जिंदगी सवाल थी, जवाब मांगने लगे। ये जिंदगी सवाल थी, जवाब मांगने लगे। फरिश्ते आके ख्वाब में हिसाब मांगने लगे। ये जिंदगी सवाल थी, जवाब मांगने लगे। फरिश्ते आके ख्वाब में हिसाब मांगने लगे। साहब इधर किया करम किसी पे और इधर जता दिया। फरिश्ते आके ख्वाब में हिसाब मांगने लगे। इधर किया करम किसी पे और इधर जता दिया। नमाज पढ़ के आए और शराब मांगने लगे। इधर किया करम किसी पे, इधर किया करम किसी पे और इधर जता दिया। नमाज पढ़ के आए और शराब मांगने लगे। मैं जुगनुओं को मुंह लगा के उलझनों में पड़ गया। मैं जुगनुओं को मुंह लगा के उलझनों में पड़ गया। ये बेवकूफ मुझसे आफताब मांगने लगे। मैं जुगनुओं को मुंह लगा के उलझनों में पड़ गया। ये बेवकूफ मुझसे आफताब मांगने लगे। साहब सच्चा शेर पढ़ता हूं कि सुखनवरों ने खुद बना दिया सुखन को एक मजाक। सुखनवरों ने खुद बना दिया सुखन को एक मजाक। जरा सी दाद क्या मिली, खिताब मांगने लगे। सुखनवरों ने खुद बना दिया सुखन को एक मजाक। सुखनवरों ने खुद बना दिया। अब एक आध मिनट कहे की गुंजाइश है मेरे पास, वो भी बेईमानी के नहीं, ईमानदारी के। तो एक दो तीन शेर और सुन लीजिए। जरा सी दाद क्या मिली, खड़े हैं मुझको खरीदार देखने के लिए, खड़े हैं मुझको खरीदार देखने के लिए। मैं घर से निकला था बाजार देखने के लिए, खड़े हैं मुझको खरीदार देखने के, खड़े हैं मुझको खरीदार देखने के लिए। मैं घर से निकला था बाजार, बाजार देखने के लिए। कतार में कई नाबीना लोग शामिल हैं, अमीरे शहर का दरबार देखने के लिए। कतार में कई नाबीना लोग शामिल हैं, अमीरे शहर का दरबार देखने के लिए। दिल्ली में अगर अच्छा शेर नहीं सुनाया जाए तो ना इंसाफी होती है, और अच्छे शेर को अच्छे तरीके से ना सुना जाए तो भी ना इंसाफी होती है। एक शेर पढ़ता हूं। कतार में कई नाबीना लोग शामिल हैं, अमीरे शहर का दरबार देखने के लिए। देखिए गजल का शेर सुना रहा हूं कि हजारों बार हजारों की समत देखते हैं। तरस गए तुझे एक बार देखने के लिए। हजारों बार हजारों की समत देखते हैं, तरस गए तुझे एक बार देखने के लिए। हर एक हर्फ से चिंगारियां निकलती हैं। वापसी हो रही है शेर के साथ मेरी। तरस गए तुझे एक बार देखने के लिए, हर एक हर्फ से चिंगारियां निकलती हैं। कलेजा चाहिए अखबार देखने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।